नमस्कार, प्रणाम सभी को। मैं साध्वी देववाणी, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिससे आज बहुत बड़ी पॉपुलेशन प्रभावित है। 11.3% पॉपुलेशन आज इंडिया में डायबिटीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। वहीं के वहीं 15.3% पॉपुलेशन प्री डायबिटिक है। हम आज बात करेंगे डायबिटीज़ के कारण क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, और योग से, आयुर्वेद से, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल से, अपनी दिनचर्या में थोड़े थोड़े परिवर्तन करके हम कैसे डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और क्योर भी कर सकते हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। वो टाइप 1 डायबिटीज़ हो या टाइप 2 डायबिटीज़ हो, हमारी पेनक्रियास के जो पेनक्रेटिक बीटा सेल्स हैं वो या तो इंसुलिन सिक्रीट करना बंद कर देते हैं, हमारा जो पेनक्रियास है उसका जो इंसुलिन सिक्रीशन का जो प्रोसेस है वो या तो पूरा ख़त्म हो जाता है, या फिर हमारी इंसुलिन प्रॉपर सिक्रीट तो होती है लेकिन वो वर्क करना बंद कर देती है, हमारे सेल्स उसको ऑब्जर्व करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि ग्लूकोज को मैनेज करने का काम इंसुलिन करती है। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। नॉर्मली कहा जाता है कि डायबिटीज़ जेनेटिक रीज़न से होती है। मुख्यतः डायबिटीज़ का कारण जो है वो जेनेटिक है, लेकिन वर्तमान समय में डायबिटीज़ का मुख्य कारण यदि देखा जाए तो हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी फूड है, हमारा जागना सोना, खाना पीना अनियंत्रित तरीके से हम उसमें बदलाव ला रहे हैं, इसलिए डायबिटीज़, अर्थराइटिस और ऐसी ही अनेक समस्याएं हैं जिनसे हमारा जीवन कष्टकर हो चुका है। तो डायबिटीज़ के कारण स्ट्रेस हो सकता है, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं वो भी डायबिटीज़ में बदल सकती है, हमारा ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ में बदल सकता है, जो अधिक जिनको मोटापा है वो भी डायबिटीज़ के पेशेंट हो सकते हैं। डायबिटीज़ अगर बहुत ज़्यादा मीठा खाने से भी डायबिटीज़ हो सकती है, जेनेटिक रीज़न भी हो सकता है, उसके अलावा अनहेल्दी लाइफस्टाइल डायबिटीज़ का कारण हो सकती है। डायबिटीज़ के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो हमारा जो यूरिन पास होना वो प्रोसेस बढ़ जाती है, बार बार यूरिन आना, स्ट्रेस लेना, हमारा या तो वेट बढ़ जाता है या बहुत कम हो जाता है, उसके अलावा चिड़चिड़ापन रहता है, हमें इंसुलिन लेनी पड़ती है अपने इंसुलिन को, यदि इंसुलिन बन नहीं पा रही है बॉडी में अच्छे से तो हमें बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ेगी, जिसके कारण फिर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो योगाभ्यास से हम डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल एंड क्योर कर सकते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो कुछ आसन हैं जिनका यदि हम नियमित अभ्यास कर लें तो हम अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल के साथ साथ क्योर भी कर सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण आसन है मंडूकासन। मंडूकासन की विधि के लिए जब भी हम प्रातःकाल, एक तो सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठ करके थोड़ा जलपान किया, उषापान जिसको कहते हैं आयुर्वेद में, उसको करके फ्रेश होकर के फिर योगाभ्यास का क्रम हमें प्रारंभ करना है। थोड़ी सी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यदि हम जवान हैं तो थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ी रनिंग कर सकते हैं, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली, उसके बाद हमारी बॉडी तैयार हो जाती है एक्सरसाइज करने के लिए। नॉर्मली ये डायबिटीज़ जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो बच्चों में और युवाओं में देखी जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ हमारी एक एज बढ़ने के बाद 50 या 60 साल में या 40 के बाद देखी जाती है, लेकिन अब ये उम्र का जो अनुपात है वो भी अब मायने नहीं रखता। छोटे बच्चों में, जवानों में भी टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्रकार की डायबिटीज़ देखी जाती हैं। छोटे छोटे बच्चों को, 5 से 7 साल के बच्चों को, 2 से 3 साल के बच्चों को डायबिटीज़ है। उन बच्चों का जो शरीर इतना कोमल है, उनको इंसुलिन देना पड़ता है, और हद तो वहाँ हो जाती है जब पता चल जाता है गर्भ में ही कि बच्चे को डायबिटीज़ है।